नमस्कार, मैं वर्षा MBBS छात्रा नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम बिहार आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है माँ ईश्वर समान है। माँ जीवन का सार है, ईश्वर का अवतार है। माँ जीवन का सार है, ईश्वर का अवतार है। माँ के चरणों में जन्नत, माँ ममता का भंडार है। 9 महीनों तक पेट में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, होठों को भाषा सिखलाई, उंगली पकड़ कर खड़ा किया, संस्कार दिया, प्यार दिया, इन प्राणों को अधिकार दिया, संस्कार दिया, प्यार दिया, इन प्राणों को अधिकार दिया, खुद सारे कर्तव्य निभाए, मुझको बस अधिकार दिया। उसकी गोद की लोरी में वीणा की झनकार है। माँ जीवन का सार है, ईश्वर का अवतार है। माँ ही है जो सुख दुख की सारी फरियादें सुनती है। माँ ही है जो सुख दुख की सारी फरियादें सुनती है। माँ स्वेटर के फंदों में जीवन के सपने बुनती है। माँ है जो एक धागे में परिवार पिरो कर रखती है। माँ है जो एक धागे में परिवार पिरो कर रखती है। अपनी आँखों में आंसू लेकर सबको खुशहाली देती है, सबको खुशहाली देती है। माँ है तो खुशियाँ है, माँ है तो खुशियाँ है। मातम भी त्योहार है, माँ जीवन का सार है, ईश्वर का अवतार है। माँ बच्चों को सुख देके, माँ बच्चों को सुख देकर अपने सर पे बलाएं लेती हैं। माँ बच्चों को सुख देकर अपने सर पे बलाएं लेती हैं। जरा गौर फरमाइएगा, इस दुनिया में बिना स्वार्थ के, इस दुनिया में बिना स्वार्थ के माँ ही दुआएं देती हैं। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के माँ ही दुआएं देती है। उसके अंतर मन में हरदम प्रेम का दरिया बहता है। उसके अंतर मन में हरदम प्रेम का दरिया बहता है। हर घर में भगवान हमेशा माँ के रूप में रहता है। जो माँ को बेघर करते हैं उनका जीवन धिक्कार है। माँ जीवन का सार है, ईश्वर का अवतार है। जैसे जैसे बड़े हुए हम, जैसे जैसे बड़े हुए हम, ममता मुझसे रूठ गई। जैसे जैसे बड़े हुए हम, ममता मुझसे रूठ गई। जीवन की आधा धापी में एक माँ ही पीछे छूट गई। लेकिन मन के इस मंदिर में, लेकिन मन के इस मंदिर में एक माँ की ही मूरत है। लेकिन मन के इस मंदिर में एक माँ की ही मूरत है। जरूरत नहीं है सिर्फ घर की, माँ तो एक मुहूर्त है। सिर्फ जरूरत नहीं है एक घर की, माँ तो एक मुहूर्त है। माँ के चरणों में जोगी, माँ के चरणों में जोगी, काशी और हरिद्वार है। माँ जीवन का सार है, ईश्वर का अवतार है। धन्यवाद।